इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 से वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस दी गई हैं और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये अकेला आना चाहिए, वेरिएबल जो है वो नंबर की पावर में अकेला आना चाहिए, उसके साथ कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही होगी तो उसको हम सेपरेट करेंगे। अब यहां पे 2x प्लस 1 आ रहा है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 4 इंटू 2 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 2x। बेसिक अलजेब्रा से हमें पता है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 8 इंटू 2 रेज टू पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस 2 रेज टू पावर x को मैं किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दूंगा। लेट के मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूं, तब मेरे पास 2 रेज टू पावर 2x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी y स्क्वायर। ये जो 2 रेज टू पावर x और 2 रेज टू पावर 2x की वैल्यूज हैं ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन अब आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे, अपनी कॉपी पेंसिल निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आप देखेंगे कि इसके जो फैक्टर बनते हैं वो हैं 8y माइनस 1 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो हमारे पास 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है या y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। इफ 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1/8 एंड इफ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं ये एक्चुअली 2 रेज टू पावर x की वैल्यूज हैं, क्योंकि 2 रेज टू पावर x को हमने y के इक्वल पुट किया था। सो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/8 एंड 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 3 और 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर माइनस 3। बेसिक अलजेब्रा से हमें पता है कि जब हमारे पास दो नंबर्स हों उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस 3। सिमिलरली 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, इसको मैं 2 रेज टू पावर 0 लिख सकता हूं क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। सो x इज इक्वल टू 0। जब बेसिस सेम है आपस में इक्वल हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगी। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई माइनस 3 एंड 0। सॉल्यूशन
सेट की फॉर्म में इसको लिखेंगे माइनस थ्री एंड जीरो. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में इक्वेशन दी गई है 2^(x+2^6-x+20=0. अब एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है. एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि वेरिएबल जो है वो अकेला नंबर की पावर में आना चाहिए. सो इसको हम पहले सेपरेट कर लेंगे. ये हमारे पास हो जाएगा 2^(x+2^6)-x+20=0. इसको हमने सेपरेट कर लिया. जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं. पावर्स ऐड करेंगे तो यही चीज बन जाएगी. इसको आगे सॉल्व कर लेंगे. 2^(x+2^6) 5 times 6 times 2 दैट इज 64^(-x+20=0. नेक्स्ट स्टेप यह है कि अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाना है. इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाने के लिए ये जो वेरिएबल है ये किसी नंबर की पावर में आ रहा होता है. अब यहां पे भी 2 की पावर में आ रहा है. इस सारे को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे. लेट मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूं. 2^(x=y). जब इसको y के इक्वल पुट करूंगा तो 2^(-x) की वैल्यू आ जाएगी 1/y. ये जो वैल्यूज हैं इनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y+64/y+20=0. इस y को खत्म करने के लिए सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y²+64+20y=0 और y²+20y+64=0. अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें. जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी फैक्टर्स बनेंगे y-16 and y-4=0. If y-16=0, then y=16. And if y-4=0, then y=4. Y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 16 and 4. अब बैक आते हैं कि हमने किस चीज को y के इक्वल पुट किया था. 2^(x) को हमने y के इक्वल पुट किया था. सो ये जो वैल्यूज हैं ये किसकी हुई 2^(x) की. सो 2^(x=16 and 2^(x=4. नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए हमने दोनों साइड पे बेसिस जो है वो सेम करनी है. इसकी बेस जो है 2 है तो हम इसको भी किसी इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये इसकी बेस 2 आ जाए और इसकी पावर कुछ भी आ जाए. इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2^(x=2). अब 16 जो है ये 2 की कौन सी पावर होगी. 16 जो है वो 2 की फोर्थ पावर है. सिमिलरली इसको सॉल्व करने के लिए ये 2^(x) है तो 4 जो है ये 2 की कौन सी पावर होगी. 4 जो है वो 2 की 2 पावर है. सो अब दोनों में बेसिस सेम है, आपस में इक्वल हैं तो पावर्स जो हैं वो भी इक्वल होंगी. x=4. यहां पे भी
दोनों की बेसिस सेम है, आपस में इक्वल हैं, तो पावर्स जो हैं वो भी इक्वल होंगी, x इज इक्वल टू 2। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 4 एंड 2, सो द सॉल्यूशन सेट इज 4 एंड 2। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 4 रेज टू पावर x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो वेरिएबल है वो अकेला किसी नंबर की पावर में आना चाहिए, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि वेरिएबल जो है वो पूरी इक्वेशन में एक ही नंबर की पावर में आना चाहिए। अब यहाँ पे ये 2 की पावर में आ रहा है, यहाँ पे ये 4 की पावर में आ रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि ये एक ही नंबर की पावर में आ रहा हो। अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि 4 रेज टू पावर x जो है इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 2x माइनस 3 इंटू, इसको सेपरेट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इज 8 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया 2 रेज टू पावर 2x माइनस 24 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस 2 रेज टू पावर x को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हमने इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। सो जब मैं इस 2 रेज टू पावर x को y के इक्वल पुट करूंगा तो 2 रेज टू पावर 2x की जो वैल्यू है वो y स्क्वायर आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स होंगे y माइनस 16 एंड y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इधर y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इफ y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 16 एंड इफ y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 8। y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 16 एंड 8। अगेन ये हमारे पास 2 रेज टू पावर x की वैल्यूज हैं क्योंकि 2 रेज टू पावर x को हमने y के इक्वल पुट किया हुआ है। सो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 16 एंड 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8। अब दोनों साइड्स पे हमने सेम बेसिस बनानी है। ये बेस 2 है तो इसको भी 2 की किसी पावर में लेके आना है। ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 और ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। सो जब हमारे पास बेसिस सेम हो, आपस में इक्वल हो, तो उनकी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होती हैं। x इज इक्वल टू 4 एंड हेयर x इज इक्वल टू 3। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 एंड 3। देन इज द क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में जो इक्वेशन दी गई है वो है 3^(2x-1) - 12 × 3^(x+81)=0. पिछले तीनों क्वेश्चंस को समझ के अब आप इस काबिल हो गए होंगे कि हमने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है. अब आप बताएं कि पहला स्टेप क्या होगा. जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो होगी उसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि वेरिएबल जो है वो अकेला किसी नंबर की पावर में आ रहा हो. अगर पावर में साथ कोई और चीज भी आ रही होगी तो उसको सेपरेट कर देंगे. अब आप देखें कि यहां पे 3 की पावर में माइनस एक्स साथ आ रहा है. सो इस माइनस 3 की पावर में जो माइनस 1 साथ आ रहा है, इस माइनस 1 को हम अलग कर देंगे. कैसे करेंगे? 3^(2x)·3^-1) - 12 × 3^(x+81)=0. 3^(-1) को मैं 1/3 भी लिख सकता हूं. दिस विल बिकम 1/3 × 3^(2x−12 × 3^(x+81)=0. नेक्स्ट, अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. तो जैसे कि मैंने पीछे भी बताया और अब आपको समझ भी आ गई होगी कि इसको जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा तो वो नंबर जिसकी पावर में वेरिएबल अकेला आ रहा होगा उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे. यहाँ पे वेरिएबल अकेला 3 की पावर में आ रहा है, सो इस होल को 3^(x) को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे. इसको आप y के इक्वल पुट कर दें, 3^(x)=y, देन 3^(2x) विल बिकम y स्क्वायर. ये जो वैल्यूज होंगी 3^(x) की और 3^(2x) की, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1/3 × y²−12y+81=0. इस 3 को खत्म करने के लिए सबके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें. जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y²−36y+243=0. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. आप इसको सॉल्व करें. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो बनते हैं y−27 and y−9=0. आप खुद इसको सॉल्व करके चेक भी करें. इफ y−27 = 0 देन y = 27, एंड इफ y−9 = 0 देन y = 9. अब y की हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली किसकी हैं? 3^(x) की, क्योंकि 3^(x) को हमने y के इक्वल पुट किया था. सो 3^(x)=27 एंड 3^(x)=9. अब जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया कि नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि दोनों साइड्स पे बेसिस सेम हो. अब यहां पे बेस जो है वो 3 है, तो इसको भी हम 3 की किसी पावर में लेके आएंगे. सो 3^(x)=27 जो है ये 3 की किस पावर में आता है? 27 जो है ये 3 की थर्ड पावर है, 3^3. सिमिलरली 9 जो है ये 3 की 2 पावर है. अब दोनों साइड पे बेसिस सेम हैं, आपस में इक्वल हैं, तो पावर्स भी सेम होंगी. x = 3 and x = 2. सो सॉल्यूशन सेट इज 3 and 2. क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास
रेसिप्रोकल इक्वेशन दी गई है. क्वेश्चन नंबर 18 में इक्वेशन दी गई है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें. लेट के मैं इसको वाई के इक्वल पुट कर देता हूं, देन ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी. एक्स प्लस 1 बाय एक्स की जगह पे वाई आएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे y माइनस 4 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. y की दो वैल्यूज आ गई. इफ y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 4 एंड इफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू माइनस 1. अब ये जो y की वैल्यूज हैं ये किसकी होंगी? इस x प्लस 1 ओवर x की. क्यों? क्योंकि हमने x प्लस 1 ओवर x को y के इक्वल पुट किया था. सो एक्चुअली x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 1. पहले हम इसको सॉल्व करते हैं x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4 को. इस x को खत्म करने के लिए सारी एंट्रीज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से. लेट के मैं इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर लेता हूं, देन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a और फॉर a इट इज 1. 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 स्क्वायर रूट बाय 2 और 4 प्लस माइनस 12 स्क्वायर रूट बाय 2. 12 स्क्वायर रूट जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट बाय 2. यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट और जो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 ये 2 इससे कैंसिल होके पीछे 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बच जाएगा. अब इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू माइनस 1 को तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 1. ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इसको जब हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर रूट बाय 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2. x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2 और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट. सो सॉल्यूशन सेट इज माइनस 1 प्लस माइनस
माइनस 3 स्क्वायर रूट एंड 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट।